आई थिंक एंड आई होप कि किसी को भी लाइफ में ऐसा इमोशन कभी एक्सपीरियंस ना करना पड़े. आई थिंक आज आपकी मेरी लाइफ में एनी काइंड ऑफ लॉस, चाहे वो आपके पेट का हो, आपके माँ बाप का हो, किसी भी तरह का लॉस हो, तो झटका ज़रूर लगता है. पर हाँ, जब आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं जिनके साथ आपने एक लाइफ आगे इमेजिन करी है, एंड और कोई नहीं पर यू नो आपकी खुद की फैमिली में उसका हाथ हो, तो कहते हैं ना कि आपकी फैमिली आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है. तो मेरे लिए इस टाइम पे ये लग रहा है कि मेरी खुशी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी, आपकी ज़िद आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी. सो ऑफ कोर्स झटका लगा है और बहुत तगड़ा लगा. ओके, हिम्मत, यू नो 1.2 टीआरपी आया है, इशू काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब शक्ति के साथ साथ मैच किया, कितनी खुश है. आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. और मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि टच वुड हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं. कि सबसे पहले तो मैं राइटर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी खूबसूरती से लिखी हो यू नो, तो वो गलत जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, या उस स्क्रिप्ट को, उस कहानी को कोई प्यार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता. सो आई थिंक कूडोज टू फर्स्टली द राइटर्स. सेकेंडली आई फील कि पूरी टीम, यू नो मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि सब यहाँ पे दिल से काम कर रहे हैं. मतलब कुछ ऊपरी काम नहीं चल रहे, सब लोग अपने अपने कैरेक्टर्स को जी रहे हैं. वो जी रहे हैं इसलिए इतना रियल लग रहा है, और इसीलिए आई फील कि आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो पा रहा है और इतनी अच्छी टीआरपी टच उड़ा रही है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट गाइस.